तो भाई हमने सिम ले ली है, 599 रुपये की मिली है और 1 GB नेट आएगा इसके अंदर। यहाँ पे भाई ओपन में मिलता है और पूरी रात मिलता है। वाह। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम हैं लुम्बिनी, तो ये होटल है और ये है होटल की बालकनी जो हमने लिया है 500 इंडियन रुपीज़ में, 800 नेपाली रुपये में, सीधा सा हिसाब है यहाँ का, तो 100 रुपये 160 रुपये के बराबर होते हैं। ये बालकनी है, इधर खेत है, पूरा खेत ही खेत, मतलब जंगल में लिया है रूम। देखो थोड़ा सा चूक हो गई यार, मार्केट में लेना चाहिए था क्योंकि हमारे पास नहाने धोने का भी साबुन नहीं है। अब मैं शैम्पू के पाउच लेके आया था तो उनसे नहाना पड़ रहा है। ये कुछ ऐसा रूम है, बाथरूम है, दो पलंगे, एक छोटा एक बड़ा, और हम ये हमारा सामान बिखरा पड़ा है। अभी अब यहाँ से हम सोच रहे थे यार कि जल्दी से तैयार होकर टेम्पल चले आते हैं और जो म्यूज़ियम है वहाँ पर भी, लेकिन ये बोल रहे म्यूज़ियम जाना नहीं हो पाएगा, 6 बजे सब बंद हो जाएगा। अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 4:45 के आसपास, तो 15 मिनट में हम जल्दी से तैयार होकर भागेंगे यहाँ से। तो देखते हैं जितना कुछ कवर होता है, क्योंकि सुबह यहाँ से काठमांडू के लिए बस जाती है तो हम काठमांडू चले जाएंगे। लुम्बिनी में बस जो महात्मा बुद्ध जी उनका जन्म स्थान है, उसके अलावा एक दो चीज़ें हो रही, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है नहीं, खेत है इम्पोर्टेंट। ये रहे। सो यार हम लोग नहा लिए, अब मार्केट जा रहे हैं। 5 बज गए यहाँ पे, तो 5 बजे ही अंधेरा हो गया। ये आगे चल रहा है इंडिया से ना? हाँ, 15 मिनट आ गए अपने से। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे 5:15 हो गए और मेरी घड़ी में 5 ही बजे, मतलब इंडिया के टाइम चल रहा है, इसीलिए इतना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। अब फटाफट से यार देखते हैं अगर कुछ खुला मिल गया तो, क्योंकि जाने में ही 15 मिनट तो लगने ही लगने हैं। नहाए धोए, कल से नहाए धोए नहीं थे, पूरा हालत ख़राब था। ये वाला जो है इसके अंदर रह रहे हैं हम, कोई भी नहीं हमारे अलावा गेस्ट। खाने का क्या बोला उन्होंने? खाने का मैंने बता दिया कि अगर बाहर खा के आ गए तो ठीक है, नहीं तो आके बता देंगे तो यहाँ बता देंगे। अच्छा, बोल दिया मैंने। हाँ। देखो यार खेती हो रही है, ये धान मेरे हिसाब से धान ही था, धान कट गया और अब इसकी हकाई जुताई हो रही है। रोज सब ले जाता था। तो यार अभी हम जा रहे हैं मेन मंदिर में, इधर से एक रास्ता शॉर्टकट जो थोड़ा जंगली जंगली सा ही रास्ता है, जंगल के रास्ते जैसे, आसपास कुछ नहीं है, ट्रैफिक कुछ चलता नहीं है यहाँ पे, पैदल ही जा सकते हैं। ये रास्ता आगे चल जाएगा, माया मंदिर बोलते हैं उसको, माया मंदिर ही बोलते हैं ना? हाँ, जो मेन जगह है बुद्ध भगवान का स्थान, उसको माया मंदिर बोलते हैं। कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। नेपाल में आ गए लेकिन लग नहीं रहा कि हम नेपाल में। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं टेंपल पे, जो मेन टेंपल है माया मंदिर, कुछ इस तरीके का रास्ता है। आराम से नेपाल में आओ और लुम्बिनी ना आओ, ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है अक्सर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को टूरिस्ट दिख नहीं रहे और टूरिस्ट लोग बहुत कम आते हैं लुम्बिनी, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए यार। कितना बड़ा इतिहास है लुम्बिनी का, महात्मा बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था और उन्होंने एक धर्म की स्थापना कर दी थी, बौद्ध धर्म की, जिसको मानने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं और सबसे शांति प्रिय धर्म भी बौद्ध धर्म ही माना जाता है। यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है पूरा कि कब जन्म हुआ था और उसके बाद में क्या क्या हुआ और यहाँ पर क्या क्या है, मैप भी बनाया हुआ है। ये टेम्पल है और इसके अंदर क्या है या गेट नंबर जो भी है पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है। इधर कई सारी भाषाओं में लिखा हुआ है नाम, माया देवी मंदिर हिंदी में लिखा हुआ है, उसके बाद में नीचे पता नहीं इनमें चाइनीज़ भी है भाई। अच्छा, यहाँ पे इस स्थल के कुछ महत्व जो है वो लिखे हुए हैं। माया देवी मंदिर है, बुद्ध जन्म मूर्ति है, पवित्र जन्म स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय गुम्बा क्षेत्र, लुम्बिनी संग्रहालय, सारस संरक्षित क्षेत्र, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी लुम्बिनी के इसमें आती है अंडर में, मतलब लुम्बिनी जो जगह है यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, यहाँ पर आके देख सकते हो, इनका लुफ्त उठा सकते हो। तो यार हम लोगों ने टिकट ले लिया है, ये 128 रुपये का, एक जने का 64 रुपये का आया था और कैमरे का अलग से चार्ज था 1000 रुपये वीडियो कैमरे का। तो मैंने कैमरा रखा जेब में और ये मोबाइल निकाल लिया है, मोबाइल से अब आगे की रिकॉर्डिंग करूँगा। यहाँ पे जूते खोलने हैं, टिकट लेके जूते हम यहाँ पे खोलने के लिए आए हैं और वहाँ पे है गेट, तो वहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी।
तो यार हम लोग अंदर आ गए हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ, बैग में कैमरा था, तो बोले कैमरा, मैंने कहा कैमरा है लेकिन यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारा कुछ। ये पुराना बना हुआ है यहाँ का, और यार कुछ ऐसा है कि जैसे तो ये नष्ट हो गया। ये मंदिर है, ये वाला मंदिर में अभी हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे, पहले बाहर बाहर का कवर कर लेते हैं क्योंकि डे लाइट ख़त्म होने वाली है, आपके लिए वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम पहले बाहर बाहर का देख रहे हैं। घास यार बहुत ठंडी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके के बने हुए हैं, पुराने शायद टूट गए, अब इन पे कुछ कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ ऐसे स्तूप जैसे बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है रो ऑफ सिक्स स्तूपा सेकंड BC, दूसरी शताब्दी में यहाँ पे था, और रो ऑफ सेकंड स्तूपा मतलब कि यहाँ पर स्तूप था जिसका ये स्ट्रक्चर है, जो बेस है वो बचा हुआ है अभी यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे स्तूप हैं जिनके जो बेस हैं वो सारी चीज़ें ही बची है, बाकी और तो कुछ बचा है नहीं। दिन में आना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है पता नहीं, धार्मिक संपत्ति हामी आपको, संपत्ति हो संरक्षण गेरो, नेपाली भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी जैसी है लेकिन समझ में थोड़ी कम आती है। पूरा कुछ इस तरीके का कैंपस है, देख लो, अब एक फ्रेम में दिखा देता हूँ आपको कैंपस। ये पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है लाइटिंग के साथ में, वाह। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, अभी आगे से अब मंदिर में जा रहे हैं हम लोग। तो यार ये जो मेन जगह है इसके हम अंदर जाए, वहाँ पे कैमरा अलाउड है नहीं, वहाँ पे जैसा यहाँ पे बाहर हम लोगों ने देखा वैसा ही सब कुछ है, वही स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ पर एक कुंड है और वो पेड़ है, तो बस अंधेरा काफ़ी हो गया है, अब मेरे को लगता है यहाँ से निकलना चाहिए, फ़ोटो खिंचवाते हैं एक दो और यहाँ से चलते हैं। लुम्बिनी का कुछ और रहेगा तो वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, अभी मार्केट जा रहे हैं हम यहाँ से कुछ ख़रीदने के लिए, तो मार्केट जाएंगे। बढ़िया कौन सा है जिसका नेटवर्क सब जगह पट गए और सस्ता भी हो? एनसेल। और दूसरा कौन सा है? नमस्ते। तो एनसेल का मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई हमने सिम ले ली है, 599 रुपये की मिली है और 1 GB नेट आएगा इसके अंदर। भूख लग रही थी, चॉकलेट भी खा ली, अब सिम डाल लेते हैं फ़ोन में। फिर भी आपका यहाँ के मज़ेदार वाली बात यह है कि सिम साथ के साथ चालू हो जाएगी, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे नहीं है ना, इंडिया में बहुत टाइम लगता है, मतलब एक दिन तो लग ही जाता है। 12 बजे मैसेज आए। ये 599 नेपाली रुपए हैं, मतलब इंडिया के 375 रुपए। और अगर सस्ता देखे तो यार इंडिया से भी सस्ता है 1 GB नेट तो। अपना प्लान कितना का आता है? नहीं यार 299 का आता है। 299 का है 1 GB, 1 GB वाला 28 दिन के लिए, थोड़ा सा महंगा है नेट। तो यार हमने यहाँ से सिम कार्ड ले लिया, सिम 600 रुपये में मिली थी, 1 GB नेट हर रोज आएगा। जगह का नाम मैं बता देता हूँ, न्यू बुद्ध मिनी मार्ट लुम्बिनी में है, और करेंसी भी एक्सचेंज करा लिए। ये 10,000 के बदले हमको यहाँ के 16,000 रुपये मिले हैं। करेंसी आपको कोई भी चेंज कर देगा दुकान वाला, कोई भी रास्ते चलता है। हमने बस में भी चेंज करवा ली थी, जो जिस बस में बैठ के आए थे यहाँ तक, तो उनको हमने 500 रुपये दिए, उन्होंने 800 रुपये दे दिए, और जो हमने टिकट दिया था वो भी इंडियन रुपीज़ में दिया था। तो करेंसी कोई भी चेंज कर देगा। और वाइन शॉप देखो यहाँ पे कैसे है, फुल लीगल है, पूरी रात कभी भी ख़रीदो। किराने की दुकान की तरह ये वाइन रखी हुई है, उधर फ्रिज में भी रखी हुई है। यहाँ पे भाई ओपन में मिलता है और पूरी रात मिलता है? वाह यार ये तो बहुत ज़ोरदार काम है। हमारे इंडिया में तो 8 बजे बाद सब बंद, कुछ ही नहीं, और वो भी छुपा छुपा के लेके जाओ इधर उधर। तो यार ये आज हम लोगों का खाना है रोटी चावल सब्जी
एक दो तीन चार पाँच छः तो छः सब्जी है, एक मूली है और एक वो है ककड़ी और ये है पानी। टेस्ट करते हैं खाने को कैसा खाना है। तो यार अभी यहाँ पर नेपाल में बज गए हैं 9 और इंडिया में 15 मिनट पहले, मान लो 15 मिनट आगे चलता है नेपाल का। अभी जस्ट हम खाना खा के यहाँ से निपटे हैं। मार्केट पूरा बंद हो गया, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो हमारा होटल है गेस्ट हाउस वो यहाँ से है 1800 मीटर दूर। तो और रास्ते में मार्केट भी नहीं है, केवल खेत ही खेत है। थोड़ा सा यार सोच रहे थे कुछ मिल जाता तो उसमें बैठ के चले जाते, लेकिन अब पैदल पैदल जाना पड़ेगा, ठंड काफ़ी तेज है। तो चलो यार होटल चलते हैं। तो यार हम लोग होटल में आ गए, ये हमारा रूम है। मैं कपड़े खोल रहा हूँ चेंज करने के लिए। 2 किलोमीटर चलना पड़ा हमको बाजार से, और जहाँ पे हमारा होटल है ना बीच में कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा। इधर खेत और इधर वो जो टेंपल है मोनेस्ट्री उसकी ज़मीन है, तो लाइटिंग भी नहीं है, बिल्कुल रोड लाइट भी नहीं है। 2 किलोमीटर तक अंधेरे में चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते में टेम्पो वाले मिले थे लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, और हमने मैप में देखा था तो ये डिस्टेंस केवल 1.8 किलोमीटर थी। तो यार हमने सोचा 10 मिनटों पैदल ही पहुँच जाएंगे, तो हम पहुँच गए 10 से 15 मिनटों पैदल। अभी बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ सिम वगैरह का मैंने शायद आपको बता दिया, फिर एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। हमको 600 रुपये नेपाली में सिम मिली है, और जिसके अंदर 30 दिन तक 1 GB डाटा रोज आएगा। 30 मिनट इंडियन बात कर सकते हैं हम। इसके बाद में क्या बोलते हैं, 3 रुपये पर मिनट का हमें चार्ज लगेगा। 3 रुपये नेपाली पर मिनट, मतलब 2 रुपये के आसपास इंडिया के पर मिनट का चार्जेस लगेगा इंडिया में बात करने का। तो बस यही कुछ था। करेंसी 100 रुपये हमारे यहाँ पर 160 रुपये बन जाते हैं। कोई भी चेंज कर देगा, दुकान वाला, टेम्पो वाला, ठेले वाला, कोई भी जिससे आप करवाना चाहोगे कर देगा। सबसे इजी बॉर्डर यही वाला पड़ता है, सनोली बॉर्डर गोरखपुर से जो हम लोग आते हैं। तो बस यार इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी डिसाइड नहीं, रात को डिसाइड करते हैं कि हम काठमांडू जाएँ या फिर पोखरा जाए या फिर कहीं और। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेपाल हमें कहाँ कहाँ लेके जाता है। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाय बाय।